खबर उत्तर प्रदेश से है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। शनिवार को लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां पर आईटी रेड में करीब 200 करोड़ की नकदी मिली है, तो बाकी सांसदों की यहां पर कितनी धनराशि होगी, ये एक बड़ा सवाल है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस पार्टी का नाम रख देना चाहिए, यह गांधी परिवार का करप्शन सेंटर है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से 200 करोड़ रुपए का पहाड़ निकला है, जिसकी गिनती अभी भी की जा रही है। देश की जनता का पैसा कांग्रेस नेता हजम कर रहे हैं। कांग्रेस और उनके घमंडी साथियों का एक ही काम है, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और लूट करना। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसका पाई पाई जनता को लौटाना होगा, यह मोदी की गारंटी है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, जो भ्रष्टाचार को सामूल नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई जनता को लौटानी होगी, ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी का की गारंटी का मतलब बेईमान और भ्रष्टाचारियों से पाई पाई की वसूली की गारंटी है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस के सांसद के पास 200 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई है, तो बाकी कांग्रेस के सांसदों के पास कितनी धनराशि होगी, ये यक्ष प्रश्न है।